नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वाले पर। दोस्तों, आरपीएफ यानी आरपीएफ कांस्टेबल का आप लोगों का जो रिजल्ट है वो उसमें आप लोगों की सेकंड लिस्ट आने वाली है। जो आपकी सेकंड लिस्ट आएगी वो आपकी फिजिकल के बाद आएगी, यानी कि जो फिजिकल है फर्स्ट लिस्ट का जो फिजिकल है उसके बाद आप लोगों की सेकंड लिस्ट अनाउंस की जाएगी। उसके ऊपर आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हमारी सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो आप लोगों को बता दें, आप लोग चांस मान सकते हैं, यानी कि 70% चांसेस मान सकते हैं कि आपकी आरपीएफ कॉन्स्टेबल के अंदर सेकंड लिस्ट प्रोवाइड हो जाए। आरपीएफ एसआई का फिजिकल आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल से बहुत ही वीक होने के बावजूद भी आप लोगों को बता दें, उसकी भी आपकी सेकंड लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई ग्रुप ए और ग्रुप ई के लिए। बाकी और आप लोगों का जो इसमें भी है, इसमें जो फिजिकल है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। जो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो फिजिकल मारना होगा वो आप लोगों को बहुत ही टफ वे से मारना होगा। यानी फिजिकल ओवर मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों का जो फिजिकल इस बार होने वाला है वो आपका 5:45 में आप लोगों को कंप्लीट करना होगा 1600 मीटर। तो 1600 मीटर आप लोगों का कहीं ना कहीं 5:45 का टाइम दिया जाएगा, जिसको आप लोग कवर करने के लिए आप लोगों की एक अच्छी खासी प्रिपरेशन होनी चाहिए आप लोगों को फिजिकल कंडक्ट करने के लिए। आप लोगों ग्रुप ए बी सी डी और ई और एफ का सभी का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, और आप लोगों के सभी के फिजिकल है जो हैं उसका प्रोसेस चालू है। आप लोगों के फिजिकल चल रहे हैं और लगातार उस बात के ऊपर आप लोगों को अपडेट भी किया जा रहा है कि आप लोगों को फिजिकल में कितने क्वालिफाइड हो रहे हैं और कितने अनक्वालिफाइड हो रहे हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके कि आप लोगों का पीईटी का जो रिजल्ट है वो किस दिन क्या उसका रिवाइज अपडेट आई गई है। तो आप लोगों को बता दें, जो आपको जो फिजिकल होने वाला है उसकी जो रिवाइज अपडेट आ रही है, जो जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो फिजिकल की सेकंड लिस्ट है वो 100% प्रोवाइड हो सकती है। आप लोगों के मोस्टली जो फिजिकल्स हैं उनकी आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, सेकंड लिस्ट प्रोवाइड हो सकती है, और आप लोगों का कहीं ना कहीं आप लोगों का सेकंड लिस्ट में अगर नाम पड़ जाता है तो 100% आप अपना सिलेक्शन भी समझ सकते हैं। क्योंकि जितने आप लोगों की वैकेंसियाँ बढ़ती हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, और उसमें ही आपको लोगों को क्वालिफाई करना होगा। और आप लोग उसमें क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका एक फाइनल सिलेक्शन या फिर वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। आरपीएफ कॉन्स्टेबल में आपकी वेटिंग लिस्ट 100% आएगी, जो आपकी 50% रहेगी वैकेंसियों की। यानी कहीं ना कहीं आपकी अगर 1000 वैकेंसियां हैं तो 1500 तक आप वैकेंसियां मान सकते हैं, जिसमें आपकी वेटिंग लिस्ट और आपका फाइनल सिलेक्शन आपको ऐड रहेगा। वेटिंग लिस्ट में भी कहीं ना कहीं आप लोगों के चांस होते हैं जो 2 साल तक वैलिड होती है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो वेटिंग लिस्ट भी बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता वेटिंग लिस्ट में नाम आता है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो अगर आप लोगों का वेटिंग लिस्ट या फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आपको लाना है तो उसके लिए आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों को अगर वेट अपन लिस्ट में नाम भी नहीं है तो भी आप अपनी फिजिकल आप तैयारी करते रहिए। आप लोग ने अगर आरपीएफ नहीं, आपने एसएससी जीडी का भी पेपर दिया होगा, वो तो 100% आरपीएफ के मोस्टली कैंडिडेटों ने दिया ही होगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी होगी। साथ में आप इसकी भी प्रिपरेशन लगातार करते रहिए। सिर्फ आप लोगों को अप्रैल में आप लोगों को अनाउंस हो जाएगा कि आप लोगों की सेकेंड लिस्ट आती है या नहीं आती है। और कहें तो आप लोगों की 100% वेटिंग लिस्ट आएगी, आप लोगों की 100% सेकंड लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि आप लोगों का जो फिजिकल का रिजल्ट है वो कुछ इसी तरीके से आ रहा है कि कैंडिडेट पे फिजिकल नहीं हो पा रहा है जो अच्छे खासे नंबर लेकर आए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।